मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। घूमनी चलेगा के आउट फ्रेम है ना। रोल भाभी जी कैसी हैं आप? हम तो बहुत ही बढ़िया बानी है। रहो आपन सुनाई। क्या सीक्वेंस है आज? क्या सीक्वेंस चल रहा है किशोर भाभी जी? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा गुंजन पंत और कृष्णी भाव जी का प्रणाम। और मैं इस वक्त हूँ अपने सीरियल बगल वाली जान मारेली के सेट पर। और ये जो सीरियल है ये बिग गंगा पर आता है ठीक शाम 7 बजे और उसी की शूटिंग चल रही है आज। बहुत खूबसूरत आप लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा आपने कहा तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वाकई मुझे इस लुक के लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और आई होप कि सच में दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, सेट पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी नजर आ रहे हैं जो बेसिकली नजर नहीं आते हैं जी बगल वाली के सेट पे, क्या उन्हें हम लोग? जी जी, देखिए ये एक कॉमेडी शो है, दो परिवार की कहानी है और मेरा हस्बैंड एक है, उनके हस्बैंड एक हैं। तो ये मोहल्ले की जो स्टोरी है, बीबी गंजारा मोहल्ला दिखाया है हमने, तो ये तो चलता ही है। लेकिन साथ में क्योंकि हमें रोज़ नई नई स्टोरीज चाहिए होती है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि बाहर से लोग आते रहते हैं। तो आज जो फ़िलहाल हमारे सेट पे शूट हो रहा है उसमें हमारे सेट पे आज यमराज आ गए हैं और यमराज मेरे पति की जान लेना चाहते हैं। तो हम लोग किस तरह से टेंशन के माहौल में हैं वो आज शूट हो रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा जोक ये है कि जब बगल वाली के सेट पर यमराज आए तो हमारे संजय जी ने उनके साथ फोटो भी निकाला। जी 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 बिल्कुल, आ रहे हो तो हमने भी फोटो निकाला। यमराज साक्षात सामने खड़े हो तो मस्का कौन नहीं लगाना चाहेगा कि भाई इतनी जल्दी हम नहीं जाना चाहते। तो संजय जी को मैंने उनको कॉर्नर में ले जाते हुए देखा और वाकई वो मस्का लगा रहे थे कि थोड़ा मेरे को अभी मतलब काफी लंबे समय तक मैं यहाँ पृथ्वी लोक में रहना चाहूंगा, तो ये मैंने देखा। अच्छा, ये जो आपके यमराज है जी, ये कैसे आए? मतलब असली यमराज तो हमने सुना था भैंस से आते थे, ये कैसे आए थे? ये ऑटो से आए हैं, ये ऑटो से आए हैं और उसके बाद इनके पास भाड़ा नहीं था देने का तो ऑटो वाला इन पे बहुत चिल्लाया तो इन्होंने ऐसा कुछ करा कि ऑटो रुक जाता है, उनका आगे ही नहीं बढ़ता है। फिर वो जैसे ही अपने चरण पादुका हटाते हैं तो ऑटो जोर से आगे बढ़ जाता है, तो कुछ उस तरीके का है। मतलब बहुत मजा, बड़ा धमाल होता है सेट पे। जी जी, बहुत बहुत धमाल होता है, बहुत तरह तरह की स्टोरीज आती हैं। जैसे अभी रिसेंटली मेरी एक स्टोरी आई थी कि कश्मीर भौजी को साइकिल पे घूमने का बहुत मन है, बचपन से उसका सपना है कि उसका पति उससे साइकिल में बैठा के घुमाए, तो उसमें मैंने बहुत इन्जॉय किया शूटिंग। हालांकि मेरे मोस्ट ऑफ द सीन्स रहते हैं जो दूसरी भाभी का हस्बैंड है उनके साथ सीन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन है, भाभी जी को दोनों लड़के पसंद करते हैं तो उनके साथ ज़्यादा होते हैं सीन्स। तो कई सारे ऐसे ट्रैक आते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि ये सीरियल करते करते मैं फ़िल्म को मिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस सीरियल में सीन्स के साथ साथ हम लोग इतने सारे गाने शूट करते हैं, बहुत सारे गाने रहते हैं हमारे, तो वो करने में भी इट्स लाइक कि बहुत मज़ा आता है, फिल्म वाला फील मिल जाता है। अक्सर मैं देख रहा हूँ टीवी सीरियल है जो आपका चल रहा है जी, खेसारी जी के या तो गाने आप ज़्यादा कर रही हैं? देखिए खेसारी जी तो नो डाउट बहुत ही कमाल के सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। इनफैक्ट अभी अगर आपको याद होगा, आप जैसे ही पहुँचे थे मेरे सेट पे, मैं उस वक्त रूम में बस अपना शॉट देके आई थी और मैं खेसारी जी का ही गाना सुन रही थी, कौनो देवता के गढ़ल खजाना हुए, तो वही सुन रही थी और मुझे उनकी आवाज़ बेहद पसंद है। लेकिन जहाँ तक सीरियल में उनके गाने की बात है तो वो मैं नहीं कहती हूँ कि ये गाना सुनना है या ये गाने पर डांस करना है या एक्ट करना है, ये तो हमारे चैनल की तरफ से हमारे राइटर्स, हमारे डायरेक्टर ये लोग सब तय करते हैं। और दिनेश गाना पे सुनती है? नहीं नहीं बिल्कुल सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते। पवन जी का तो बहुत सारे गाने मुझे बहुत, जैसे कि मुझे सनेहिया लगावल बहुत बात नहीं, वो बहुत पसंद है गाना। उनके बहुत सारे गाने मुझे पसंद हैं, जैसे एक वो गाना गुड़िया चांद के अंजोर तो हर नईखे कोनो जोड़ तू बेजोड़ बाड़ू हो, वो बहुत अच्छा लगता है। और उसके अलावा काफ़ी सारे, और दिनेश जी की भी आवाज़ बहुत अच्छी है, सभी सिंगर अपने आप में कमाल के हैं। गुंजन, मैं आपके कैरेक्टर और आपके इस सीरियल पर वापस आना चाहूँ जी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं शो का पूरा फॉर्मेट है ये एनटीवी के शो भाभी जी घर पर है जी, उसकी पूरी तरह से नकल है।
देखिए बिल्कुल सबको हक है कहने का, और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मिलता हुआ ही है, क्योंकि उसमें भी दो परिवार की कहानी है। वो अपना भाभी को पसंद करते हैं, हमारे सीरियल में भी वैसे ही है, लेकिन ये पूरी तरह से आप ऐसा नहीं कह सकते कि नकल है, नहीं कह सकते, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। और हमारे यूपी बिहार पे बेस्ड है, हमने अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा उठाया है इस सीरियल में। इसके माध्यम से लोगों तक हम लोगों ने भोजपुरी ट्रेडिशन को पहुंचाने की कोशिश की है। जैसे अभी हम लोग रिसेंटली शूट कर रहे थे, कहीं हमारे सोहर के गाने आ जाते हैं, कहीं यू नो छठ आ जाता है। अभी आज हम लोग वट सावित्री का, वो जो यमराज जी आए हैं, वो वट सावित्री पूजा का चल रहा है। हम लोग अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने सीरियल के माध्यम से। और मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं तो मोस्टली फिल्म ही करती हूँ, अभी काफ़ी समय बाद सीरियल कर रही हूँ, तो फिल्म्स में भी मैं कहना चाहूँगी वो चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। अभी कई बार ऐसा होता है कि भोजपुरी दर्शक बोलते हैं हम भोजपुरी फिल्म तो देख रहे हैं, लेकिन भोजपुरी कल्चर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस सीरियल के माध्यम से हम घर घर तक जा रहे हैं और लोगों को पूरी तरह से भोजपुरी माटी से बांध के रख रहे हैं। असल में जो जिन्हें मैं कहूँ कि जो असली भाभी हैं, अंगूरी भाभी जी, शुभांगी अत्रेय जी, आपको लगता है आप और वो किसी कुछ एक मायनों में सेम हैं? नहीं, वो शुभांगी जी जो हैं वो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनफैक्ट उनके पहले जो थी वो भी बहुत ही कमाल की हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं वो शुभांगी जी हैं, मैं गुंजन पंत हूँ। हर कलाकार अलग होता है, हर आर्टिस्ट। अभी उस भाभी जी से मिली हैं? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह का कोई सीरियल करूँगी, और मेरे पास सीरियल के लिए मैं सच में डर रही थी, क्योंकि मेरे पास लगातार मूवीज़ थी और फिल्म्स की शूटिंग के लिए मुझे नेपाल निकलना था, जिनकी अभी मैं रिसेंटली शूट करके आई हूँ, बजरंगी भाई, उन्हीं लोगों की एक फिल्म थी। तो मुझे आउटडोर भी जाना था, बट अचानक से ये सीरियल आया। इनफैक्ट मैं मुझे याद है कि मुझे जब ये सीरियल ऑफर हुआ, तो उस वक्त मैं बनारस जाने वाली थी गुंडा फिल्म की शूटिंग के लिए, तो मुझे ऐसा लगा शायद मैं ये सीरियल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन सच में ये किरदार मुझे इतना अच्छा लगा है और मुझे लगता है इसमें बहुत मैं एक्ट कर पा रही हूँ, खेल पा रही हूँ, अपने किरदार को एंजॉय कर रही हूँ और दर्शकों को पसंद आ रहा है, तो मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। तो बहुत मुश्किल से डेट मैनेज हुआ, और हम जानते हैं हम लोगों ने किस तरह से, चैनल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बिग गंगा को बहुत सारा थैंक यू, और साथ ही साथ मेरे प्रोड्यूसर्स को और इन सबको, मेरी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। पूरे दिन साड़ी पहन के रहती हैं, ऑलमोस्ट पूरे दिन शूट होता है, भाभी जैसा एटमॉस्फेयर होता है, शूट के बाद भी ऑफ कैमरा भी आपको नहीं लगता कि भाभी जैसा कुछ फील होने लगा है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात की आपने कि ऐसा फील तो नहीं होता। फील तो छोड़िए, मेरे साथ कल ऐसा हुआ कि कोई, मैं यहाँ पे सेट पे अक्सर भोजपुरी में बात करती हूँ, मेरे जो को आर्टिस्ट भी हैं, क्योंकि भले ही मैंने बहुत सारी भोजपुरी फिल्म्स की हैं, बट मैं भोजपुरी नहीं हूँ, भोजपुरी मेरी लैंग्वेज नहीं है, तो मेरे को अभी भी ग्रामेटिकल जो वो चीज़ें होती हैं वो सीखनी होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सेट पे मैक्सिमम टाइम जिन लोगों की भोजपुरी अच्छी है उनसे बात करूं भोजपुरी में, तो दिन भर हम भोजपुरी में बात करते हैं। कल मेरे को एक कॉल आया मेरे एक फ्रेंड का, जो बिल्कुल ही भोजपुरी के बारे में नहीं है, उनको कुछ पता है, एंड मैं गाड़ी चला के अपना पैकअप हो गया था, मैं घर पहुंचने वाली थी, उनका फ़ोन आया, और जैसे ही बात करी थी तो मेरे मुँह से निकल गया, हाँ बताइए क्या हाल चाल बा, एंड ही वॉज लाइक वॉट Excuse me, तो मैंने वो ओ शिट, मतलब ये अक्सर हो रहा है कि मेरे मुंह से भोजपुरी उन लोगों से भी मैं बोल दे रही हूँ जो लोग भोजपुरी जानते ही नहीं है। आई हो दादा, जैसे मैं सेट पे इतनी बार बोलती हूँ, तो अब अक्सर ऐसा हो रहा है कि कुछ भी ऐसा चीज़ हो रही है जिससे मैं बहुत शौक हो जा रही हूँ या बहुत खुश हो जा रही हूँ, तो मेरे मुँह से आई हो दादा निकल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए असर तो पड़ता ही है, रियल लाइफ में भी आपके किरदार का असर पड़ता है और पड़ रहा है। और जैसा आपने कहा कि साड़ियाँ, मैं बोलना चाहूँगी कि अभी तो मैं बहुत, मुझे बहुत झगड़े के बाद, बहुत लड़ाई के बाद, बहुत रिक्वेस्ट के बाद मुझे इतनी हल्की साड़ियाँ मिलना शुरू हुई हैं, वरना अगर आप शुरू के दिनों में मेरे सेट पे आते तो जो मुझे इतनी भारी भारी साड़ियाँ मिल रही थी और इतनी ज़्यादा ज्वेलरी मिल रही थी, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। मतलब मैं पूरा दिन ऐसा लगता था कि ये जो पल्ला है ना, ऐसे कोई खींचता है सिर को, इतना हैवी सब पहन रही थी, लेकिन ठीक है, उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी एक बार फिर
से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ लेंगे 30 तारीख को। बीजेपी की बड़ी जीत हुई है जी। मुझे नहीं पता गुंजन पंत बीजेपी सपोर्टर है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अच्छे काम को सपोर्ट करती है। बिल्कुल, मेरे तमाम इंटरव्यूज़ में अगर आप कभी देखें, अगर टाइप भी करें गूगल में या यूट्यूब पे गुंजन पंत मोदी जी, तो आपको हमेशा मेरा इंटरव्यू मिलेगा जिसमें मैंने हमेशा से कहा है कि मैं मोदी जी की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ। मुझे मोदी जी बहुत ही पर्सनल लेवल पे बहुत पसंद हैं, उनका काम, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं देश के हित के लिए, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास, पूरा यकीन था कि मोदी सरकार तो आएगी ही आएगी। जो इंसान इतना अच्छा काम कर रहा है, देश आज उनको इतना पसंद कर रहा है, बिना जाति धर्म के काम कर रहे हैं, सिर्फ उनका जो वो काम कर रहे हैं वो डेवलपमेंट पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको आना ही था। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी मोदी जी को, बीजेपी की, वो पूरी बीजेपी को, जितने भी कार्यकर्ता थे जिन्होंने अच्छा अच्छा काम किया। एंड मैं चाहती हूँ अभी नहीं, आगे भी आने वाले कई सालों तक मोदी सरकार ही रहे। एक आप बड़ी खुश हैं आप, लेकिन एक खबर आपको दोबारा लॉस्ट इलेक्शन। जी जी जी, देखिए बिल्कुल बुरा भी लगा, लेकिन बुरा लगने से ज़्यादा हमें उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा ये स्टेप उठाना ही अपने आप में बड़ा था, क्योंकि वो जो गढ़ है वो अखिलेश जी का गढ़ है, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। और नेक्स्ट टाइम, देखिए पहली बार में हार गए तो वो बड़ी बात नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत करी और बहुत कोशिश करी, लोग उनसे जुड़े, उन्होंने बहुत सारे वोट काटे। सो आई विश कि वो अगली बार ज़रूर जीते। और साथ ही साथ रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी, इन दोनों को बहुत बहुत बधाई कि ये लोग जीते हैं, और बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से। अच्छा, आपको लगता है कि निरहुआ को अगली बार लड़ना चाहिए और अगली बार वो जीत सकते हैं? देखिए ये पूरा उनका ही डिसीजन होगा, मुझे नहीं पता उनके पास कितनी मूवीज हैं, इतना वो, क्योंकि दर्शक उनको इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं, तो मूवीज तो उनके पास बहुत सारी होती हैं, तो अब वो समय निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं, क्या होता है पता नहीं। लेकिन मैं चाहूँगी, क्योंकि दिनेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं और जितनी भी इंडस्ट्री में किसी से भी बात करते हैं सब यही बोलते हैं कि बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट एक्टर कह सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, बहुत शांत और अच्छे इंसान हैं। तो जब इस तरह के लोग होते हैं, अगर वो राजनीति में आते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं। उन्होंने हमेशा अच्छे फिल्मों के साथ साथ उनकी बहुत सारी चीज़ें मुझे और भी पता चलती हैं कि कुछ ना कुछ वो अच्छा करते रहते हैं, सोशल वर्क करते रहते हैं, तो मुझे लगता है अगर वो जीतेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा ही काम करेंगे। रितु सिंह, आपके दोस्त रितु सिंह, उन्हें सरेआम यूपी में किडनैप कर लिया गया जी, 1.5 घंटे गन के नोक पर उन्हें बंधक बनाए रखा गया, गोलियां चली। जी हाँ, मुझे पता चला, मैं इनफैक्ट परसों की बात है, मैं शूटिंग कर रही थी। देखिए सीरियल करने के जब से कर रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा वक्त ही नहीं मिल पाता है, मैं पता ही नहीं चलता है हो क्या रहा है आजकल, सिर्फ यही जो कुछ है बस वो बगल वाली जान मारे ली ही सब कुछ है। तो अचानक से मैंने बस सोशल मीडिया ऑन किया, थोड़ी देर का मुझे टाइम मिला था, जैसे ही देखा तो मैंने एक पोस्ट पढ़ा जिसमें इस तरह का लिखा हुआ था। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, तो मैंने अपने दोस्त को, रानी जी को फ़ोन किया, उनका फ़ोन बिजी आ रहा था, फिर संजय भूषण जी को फ़ोन किया, तो मुझे पता चला कि हाँ ये इंसिडेंट हुआ है। और मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ कि इस तरीके से किसी एक्ट्रेस के साथ एक बंदे ने इस तरह की हरकत की है, विच इज़ वेरी सैड आई थिंक। और हम लोग देखिए, हम एक्टर्स, हमारे बहुत सारे प्रशंसक होते हैं, बहुत पसंद करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि लोग इस तरह की चीज़ करें। और मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि हम लोग यूपी बिहार या और भी बहुत सारी जगह शूटिंग करने जाते हैं, तो ये बहुत कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट के बाद लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो सभी एक्टर्स को मुझे लगता है सिक्योरिटी मिलना चाहिए कि उनके साथ इस तरह की चीज़ ना हो। एंड जहाँ तक ऋतु की बात है, मुझे बहुत रिलीफ मिला था ये जानकर कि वो अभी ठीक है। सो बस ऐसा ही बोलूंगी कि और आगे से कभी किसी के साथ इस तरह की चीज ना हो। थैंक यू सो मच। या कुछ और पूछना?
वीरू देवगन साहब, अजय देवगन लेजेंडरी एक्टर अजय देवगन के पिता श्री का निधन हो गया है थोड़ी देर पहले जी, जी। आप सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया? बहुत ही दुख की बात है और मैं अपना शोक प्रकट करना चाहूंगी। माता पिता जो होते हैं उनका साया जब तक होता है हम लोग हमेशा खुद को सुरक्षित, कोई भी बच्चा अपने आप को सुरक्षित सलामत महसूस करता है। और मैं यही चाहूंगी कि किसी के भी माता पिता को, मतलब ये ऐसी चीज है ना, इस चीज से बहुत डर लगता है, सबके माता पिता का आशीर्वाद इन पर बना रहे। लेकिन जैसा कि आपने बताया आज वीरू जी का निधन हो गया है, मेरी बहुत सारे मैं शोक प्रकट करना चाहूँगी। और ऐसे समय में यही चाहूँगी कि भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ईश्वर अजय देवगन जी को, उनके पूरे परिवार को ऐसे दुख की घड़ी में हिम्मत दे और वो इस शोक के समय को सहने की उनको हिम्मत मिले। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.